there will be plus x and there will be plus y, and because of this there will be error. Yes, error. Now to avoid this, what we do, first we will keep the resistance R1 here and R2 here, and you will find the value of R1 and R2. Yeah, you will find the value of R1. Now you will interchange the positions, then you will do the experiment again. Now what happens, R2, R1 will be here and R2 will be here. So ultimately R2 upon R1 will be equal to, now it is R3 plus X upon R4 plus X. Why? Now what happens, maybe because of XY, the value of R1 is deferred. Yeah, it may have increased, yeah, it may have decreased. So if it is increasing here, so obviously when it reaches here, it will decrease. If it decreases here, this will increase, right? And how much here it will increase, that much here there will be decrease. For example, it is R1 plus delta Z. This is increase in this case. Then for next case, it is R1 minus delta Z. When you add these two, so obviously delta Z will get cancelled. So you'll get 2R1. But you want only R1, so we go divide it by 2. Because that is mean value. So decrease kaise hoga? अच्छा अभी x एंड y में मान लो कि x का वैल्यू y से ज्यादा है, तो x का वैल्यू ज्यादा है तो ये भी बढ़ेगा ना बच्चे? यस सर, R1 बढ़ेगा, राइट? तो कुछ मतलब x का एंड y का वजह से ये बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट केस में क्या होगा, R2 बढ़ेगा, R1 कम हो जाएगा. यस सर, हाँ राइट. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब देयर विल बी एरर ड्यू टू कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस, उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को दो बार करेंगे. एक बार x को लेफ्ट गैप में रखेंगे, देन एक्सपेरिमेंट करेंगे, देन x को राइट गैप में रखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको x का दो वैल्यू मिलेगा, देन उसका मीन ले लेंगे. अच्छा क्लियर है? यस सर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है. चलो, ये स्ट्रिप का एक तकलीफ है, क्योंकि स्ट्रिप वायर को कवर करता है. सो एक्चुअली क्या होगा, ये एंड ऑफ द वायर से ये जो पॉइंट डी है, ये हमारा एल एक्स होता है. ये वायर से एंड ऑफ द वायर हमारा एल आर होता है, राइट? अभी फॉर एग्जाम्पल इसका जीरो, ये जो नीचे स्केल है उसका जीरो से कोइंसाइड हुआ, तो हमको रीडिंग प्रॉपर आएगा. बट किसको पता है कि ये एंड और ये एंड कोइंसाइड हो रहा है? हो सकता है स्केल इसका 0.1 से शुरू होता होगा, राइट? यस. या इसका जो एंड है मेरे को 99.9 में कोइंसाइड होता होगा. सो देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ डेविएशन, कोइंसाइड नहीं होता होगा. तो कोइंसाइड नहीं होता होगा तो क्या होगा बच्चा, आपको इधर 50 आना चाहिए, तो आएगा 49.9 आएगा, बराबर है ना? Yes. अभी 50 का मतलब है मेरे को 49.9 आया, यू नो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, क्योंकि 50 का कंपैरिजन में 0.01 कुछ फर्क नहीं करता. आई होप यू गेटिंग, या 0.1 कुछ फर्क नहीं करता. बट मेरे को डी का वैल्यू इधर आया, इधर, then I may be getting a 5 centimeter. But 5 centimeter का बदले में आपको 4.9 centimeter आया, तो don't you think अभी difference करेगा, क्योंकि 4.9 और 5 जब आप compare करते हैं तो obviously क्या होगा, they are close by. Yes, yes. Right? Yes. क्योंकि जब मेरे को 1 है, value 1 आ रहा है, तो मेरा value 0.9 है, तो ऑब्वियसली एरर ज्यादा दिखेगा इधर. बट मेरा वैल्यू 1000 है या 10,000 है और मेरे को 4 times 9 आ रहा है, तो ऑब्वियसली फर्क जो 1 दिख रहा है वो कंपेरेबली क्या होगा, 1000 से नेग्लेक्ट हो जाएगा. आई होप यू गेटिंग. यस. इसके लिए मैंने क्या बोला कि चलो इधर तो x रखा है आपने, इधर तो r लगाया है, तो आप r का वैल्यू ऐसा एडजस्ट करो, ये जो d है पॉइंट d 50 का नजदीक होना चाहिए, 50 मतलब सेंटर का नजदीक. तो 50 का नजदीक है तो इधर वैल्यू भी 50 का नजदीक, इधर वैल्यू भी 50 का नजदीक, तो वैल्यू 50 का नजदीक है, तो एरर जो है, जो भी एरर है इधर का, वो नेग्लेक्ट हो जाएगा.
नेग्लेक्ट होना मतलब जीरो नहीं होगा बच्चा, कंपैरिजन में नेग्लेक्ट हो जाएगा. यस सर. राइट. यस यस. फाइन. सो आई होप बोथ टू पॉइंट्स आर वेरी क्लियर नाउ. यस सर. फाइन. एनीथिंग एल्स सर? पीओ बॉक्स बताना बच्चा. पीओ बॉक्स उसमें क्या डाउट है बच्चा? उसमें तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है, नेटवर्क, देन पीओ बॉक्स देखना है. एग्जैक्टली वही है. आपने एक्सटर्नल कनेक्शन है ना, वो बताओ. एक्सटर्नल कर देखो, ऐसा शेप है उसका, एस है. राइट. इधर ए है, ऑब्वियसली इधर बी है एंड ए सी. तो ए और बीच का बीच में तीन कीज है. ए का वैल्यू 1, 10, 100, 1000, तीन ही कीज हो सकता है. और ये तीनों का वैल्यू लेगा पी का, मतलब पी ए निकाला तो पी का वैल्यू 10 हो जाएगा, ए निकालेगा तो पी का वैल्यू 100 हो जाएगा, लाइक दैट. तो बी और सी के बीच में तीन कीज है, तो उसका भी वैल्यू 10, 100, 1000 है. ये होगा क्यू. देन ये पॉइंट डी है. देन इधर से जो वैल्यू आता है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आर. सो इधर बहुत सारा कीज है. यू गॉट मेनी कीज. So, ये 1 ohm है, ये 2 ohm है, ये 2 ohm है, ये 5 ohm है, like that. Up to 5000 ohm है, 5000. ये इधर से इधर तक R value लेता है R का. Right? Yes. तो अभी X जो है unknown, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं C और D का बीच में, C और D का बीच में. ये C है और ये D है. तो इधर X निकालो, X डाल दो इधर. एक्स है, देन ए और कौन सा पॉइंट है बच्चा? डी का बीच में हम लोग गैलोनोमीटर कनेक्ट करेंगे. बी एंड डी. यस, बी एंड डी का बीच में गैलोनोमीटर. तो आप चाहे तो बाहर से इसको कनेक्ट करो, ऐसा दैट इज आल्सो ओके. तो आपको कंफ्यूज हो रहे थे, इधर गैलोनोमीटर डी पे कनेक्ट करो, एंड चाहिए तो इधर एक की कनेक्ट करो. के 1 है या के है, व्हाटएवर. राइट. देन आता है हम लोग को किसको कनेक्ट करना पड़ेगा? सेल को. सेल तो कनेक्ट होता है ए और सी के बीच में. राइट. यस यस. आप इधर से लेके आओ इसको, जंपिंग करो इधर. जंपिंग मतलब इधर कनेक्शन नहीं है, एंड इधर सेल कनेक्ट करो. दैट्स इट. यस सर, समझा. ये सेल है विद ईएमएफ. राइट. अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसका वैल्यू एक फिक्स करना है, 1000, 100. इसका भी वैल्यू फिक्स करना है. तो आपने P upon Q फिक्स कर दिया, दैट इज 1 है. देन X तो अननोन है, इसको टच नहीं करना है. अभी R का वैल्यू एडजस्ट करते जाना है, 1 निकालना है, 2 निकालना है. कब तक निकालना है? जब तक गैलोनोमीटर 0 नहीं दिखाता है. जब मैंने 5 ओम निकाला और मेरे को वैल्यू 0 मिला इधर गैलोनोमीटर, राइट, तो मैं क्या रखता हूँ? P upon Q will be equal to R upon S का बदले में X लिखेंगे. A 1 है. X, yes. क्योंकि P upon Q 1 है ना, एंड आर का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू अननोन है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू 5. बच्चा समझा? यस सर, समझा. हाँ, तो अब सपोज ये वायर है, वायर का लेंथ होगा, एरिया होगा, रेडियस होगा, तो रेसिस्टिविटी रो होगा. तो आपको लेंथ और एरिया, यू नो, रेडियस पता है, तो आप एक्स के बदले में रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5. L पता है, R पता है, तो रो मिल जाएगा, या रो पता है और R पता है तो L मिल जाएगा. So anything can be asked. Yes sir, समझा. ठीक है, समझा sir. Fine. So we'll move towards the next topic, that is potentiometer. अभी बच्चा देखो, पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर जो है काम सेम करता है, बट पोटेंशियोमीटर को जब आपको एक्यूरेसी का बात आता है, सो वी प्रिफर पोटेंशियोमीटर मोर कंपेयर टू वोल्टमीटर. द रीजन इज वेरी सिंपल. देखो इधर, सपोज एक सेल है विद ईएमएफ, इसके अक्रॉस मैंने दो रेसिस्टेंस कनेक्ट किया, एक R1 और एक R2.
सो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगा, लेट आई बी द करंट, तो आई दोनों में सेम जाएगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ऑब्वियसली आई विल हैव V इज इक्वल टू या V1 इज इक्वल टू I इनटू R1। इधर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट इज V2 इज इक्वल टू I इनटू R2। अभी मेरे को इधर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस रेसिस्टेंस R1, ऑब्वियसली हम लोग वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर पैरेलल। तो जब भी मैं वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं तो क्या होगा बच्चे, जो करंट है ना स्प्लिट होता है, इधर करंट I डैश जाएगा एंड इधर करंट जाएगा आई माइनस आई डैश। आई में से आई डैश नीचे गए तो बचेगा करंट कितना बच्चा, आई माइनस आई डैश, मतलब सर्किट में जो करंट है आई वो कम होके आई माइनस आई डैश हो जाएगा, क्योंकि ये करंट इधर जाएगा तो वोल्टमीटर क्या करेगा बच्चे, डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट, इट विल गिव डिफ्लेक्शन। सो वोल्टमीटर को डिफ्लेक्शन होने के लिए कुछ करंट लगता है, राइट? सो ये करंट थोड़ा पास होना ही चाहिए वोल्टमीटर के पास, तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो करंट नहीं गया तो अल्टीमेटली आपको रीडिंग कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, ये R1 के पास पहला जो करंट आई था, अभी वो करंट कम हो चुका है, तो उसका जो वोल्टेज होगा V1 dash will be equal to I minus I dash into R1 होगा, एंड ऑब्वियसली ये V1 dash is less than V1 होगा। इसका मतलब वोल्टमीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करता है वो एक्चुअल से क्या रहेगा, कम रहेगा, राइट? यस यस एक बार रिपीट करो ननीस। बच्चा सुनो, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बच्चा? पैरेलली। गुड, पैरेलल में कनेक्ट किया तो करंट क्या होगा, स्प्लिट होगा ना, स्प्लिट होगा। यस, अभी करंट स्प्लिट हुआ तो मैंने मान लिया कि वोल्टमीटर में करंट आई डैश जाएगा, तो सर्किट में जो R1 के पास करंट कितना बचेगा बच्चा, I माइनस I डैश। तो क्या कंफ्यूजन है बच्चा, जब करंट कम हो चुका है तो जो रेसिस्टेंस R1 है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो चुका होगा। Yes. अभी पहला I इंटू R1 था, अभी I माइनस I डैश इंटू R1 है, तो अल्टीमेटली इधर वोल्टेज क्या हुआ है, बढ़ गया कि कम हुआ, कम हुआ, yes. वही वोल्टेज ये दिखाएगा ना तुम्हारा वोल्टमीटर। Yes, sir. तो इसका मतलब वो वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस तो देगा बट एक्चुअल वाला नहीं देगा, कम देगा उससे। और कम क्यों देगा, क्योंकि उसको डिफ्लेक्शन देने के लिए करंट लगता है और वो करंट वो सर्किट से लेता है। वोल्टमीटर रिक्वायर सम करंट फॉर इट्स डिफ्लेक्शन एंड दैट करंट विल बी टेकन फ्रॉम द सर्किट। सो वोल्टमीटर इज टेकिंग सम करंट फ्रॉम द सर्किट, अल्टीमेटली द करंट ऑफ द सर्किट विल डिक्रीज। So if current decreases, the potential difference of that element where you are going to measure potential difference, differently it will be decreased. मतलब आप voltmeter को use करके कभी भी actual potential difference measure नहीं कर सकते हो। तो आप हमेशा potential difference वो measure करेंगे जो actual से कम रहेगा, right? इसका मतलब voltmeter एक ideal device नहीं है, क्योंकि ideal voltmeter वो होगा जिसका resistance infinite होगा। बराबर है ना बच्चा, मतलब करंट नीचे नहीं आएगा तो आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है। आई होप यू गेटिंग। यस सर, यस। ये करंट नीचे नहीं आने के लिए इसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, बट आपको पता है मैं किसी का भी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं कर सकता हूं। मतलब ये वोल्टमीटर आइडियल डिवाइस नहीं है पोटेंशियोमीटर मेजर करने के लिए। आइडियल वो होगा जो करंट इधर से लेगा नहीं। So a device which will not, you know, take or draw any current from the circuit, that is going to be the ideal potentiometer, ideal voltmeter. And वो ideal voltmeter हम लोग बनाते हैं potentiometers. किससे बनाते हैं बच्चा? किससे बनाते हैं? Potentiometer. क्योंकि ये जब potential difference measure करता है so it will not draw any current from the circuit. तो हम लोग ये बोलते हैं potentiometer, it is a device which is used in accurate measurement of potential difference and it will be like ideal voltmeter. और एक बात, ये जो device है EMF भी measure करता है, क्योंकि voltmeter EMF measure नहीं कर सकता है क्योंकि cell का अंदर internal resistance होता है। जब वोल्टमीटर आप उसका अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये सेल विद ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेसिस्टेंस आर, याद रखना ये आर सेल का अंदर है,
इसके अक्रॉस तुमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो ये वोल्टमीटर विल बिहेव लाइक व्हाट? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जैसा बिहेव करेगा। यस सर। जब एक करंट पास होगा तो वोल्टमीटर के अक्रॉस वोल्टेज वी आएगा, इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज स्मॉल वी आएगा, तो वोल्टमीटर थोड़ी ई दिखाएगा, वो तो वी दिखाएगा। सो इसका मतलब वोल्टमीटर हमेशा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही दिखाता है। ईएमएफ कभी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस बाहर नहीं है, अंदर, इट इज इनसाइड द सेल। आई होप यू गेटिंग। यस यस सर। यस सो क्वेश्चन आया, वोल्टमीटर कैन इट मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल? तो ऑब्वियसली आपको बोलना पड़ेगा कि नो, बिकॉज इंटरनल रेसिस्टेंस इट इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड द सेल। इज इट ओके बच्चा? Yes. तो हमारे पास दो डेफिनेशन बनेगा पोटेंशियोमीटर का। एक ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अननोन ईएमएफ बाय कंपेयरिंग it with known EMF is called potentiometer. Obviously, जब हम लोग applications हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। Potentiometer ये एक हो गया first definition. I repeat, a device which is used to measure unknown EMF by comparing it with known EMF is called potentiometer. ये याद नहीं आया? इतना तो ऑब्वियसली लिख सकते हो, ए डिवाइस विच कैन मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। ये इजीएस्ट स्टेटमेंट है। ए डिवाइस विच कैन मेजर ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। ये भी लिख सकते हो, राइट? सो अदरवाइज ये लिख सकते हैं, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर accurate potential difference between two points in electric circuit and it behaves like ideal voltmeter. Ideal voltmeter. Since it do not draw any current from circuit, आपका मर्जी, आप दोनों में से कौन सा भी लिखो, फर्स्ट वन भी लिख सकते हैं, सेकेंड वन भी लिख सकते हैं। तो मैं सेकेंड वन रिपीट कर रहा हूं, ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर accurate potential difference, accurate का मतलब exact होगा, potential difference between two points in electric circuit and it behaves like ideal voltmeter since it do not draw any current, yeah it does not draw any current from circuit. अभी एक circuit से current नहीं लेगा तो obviously जो potential difference है उसको change नहीं करेगा या इसको affect नहीं करेगा, तो एफर्ट नहीं करेगा तो आपको एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बच्चा क्लियर अप टू दिस मच द डेफिनेशन पार्ट? बच्चा एवरीबॉडी फॉलोड अप टू दिस मच? यस 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 सर। ओके, नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो व्हेन इट कम्स टू कंस्ट्रक्शन पार्ट, याद रखना इट कंसिस्ट ऑफ ए वायर, ऑफकोर्स लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, कंडक्टिंग मतलब बेटर होगा, इट हैज इट विल बी हैविंग मेनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो बेसिकली ये जो लेंथ ऑफ द वायर है इसका 2 मीटर से 10 मीटर का बीच में होता है, इट विल बी इन बिटवीन 2 मीटर टू 10 मीटर। एंड आपका प्रैक्टिकल्स में जो पोटेंशियोमीटर आप यूज करते हैं वो 4 मीटर का रहता है, 4 मीटर। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सपोज मीटर 1 मीटर है, सपोज लेंथ, तो एक सेगमेंट होगा,
सपोज लेंथ 10 मीटर है तो 10 पैरेलल सेगमेंट्स होगा, 10 पैरेलल सेगमेंट। अभी तो मैंने बोल दिया कि उसका लेंथ हम लोग 4 मीटर रखेंगे, तो ऑब्वियसली उसका लेंथ ऐसा होगा। देखो ये पॉइंट ए है सपोज, इसका बीच में हम लोग वायर को स्ट्रेच करेंगे इन पैरेलल सेगमेंट, एंड हर एक सेगमेंट का लेंथ क्या होगा 1 मीटर। मतलब एक सेगमेंट है तो 1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो मैंने बोला 4 मीटर, तो ऑब्वियसली 4 सेगमेंट होगा, राइट। अभी एक्चुअली देखेंगे तो वायर सीरीज में ही है। व्हाई इट इज यू नो बेंडेड इन सेगमेंट, बिकॉज़ टू रिड्यूस द साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप स्ट्रेट रखेंगे तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंट में एकदम बड़ा हो जाएगा। सर मुझे नहीं समझ कि 4 मीटर कैसे। बच्चा इधर से इधर तक 1 मीटर, इधर से इधर 2 मीटर, इधर से इधर 3 मीटर, इधर से इधर 4 मीटर, अभी कितना हो गया? एक एक सेगमेंट 1 मीटर। यस राइट। अभी एक्चुअली देखेंगे तो पैरेलल में नहीं है, वो सीरीज में ही है, राइट। क्योंकि इसको स्ट्रेच करूंगा तो स्ट्रेट वायर बनेगा। अभी स्ट्रेट वायर क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि लेंथ जो है, साइज जो है इंस्ट्रूमेंट का कम होना चाहिए इसके लिए। इज इट ओके? यस सर, समझा। मतलब ये जो भी हम लोग कर रहे हैं, इट इज इन एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक के ऊपर कर रहे हैं। मतलब एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक है, उधर 2 पॉइंट ले लिया और उसका बीच में वायर को स्ट्रेच किया। आई होप इट इज क्लियर। अभी yes. इतना ही होता, इतना ही इधर तक होता तो 2 मीटर होता, इधर तो करता तो 3 मीटर है। अभी ये जो साइज में इधर ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअली उतना ज्यादा नहीं रहता, इट इज वेरी स्मॉल ऐसा रहता है, राइट। तो ये जो है, आप ये मत सोचो कि सर उसका लेंथ का क्या हो गया। सो दैट लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल व्हेन इट कम्स टू इंस्ट्रूमेंट। सो ओनली फॉर डायग्राम सर यू नो पर्पस आई हैव शोड बिगर वन। इज इट ओके? यस सर। यस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, एग्जैक्टली बिलो दिस यू विल हैव अ स्केल, 1 मीटर स्केल प्लेस करेंगे, सो दैट आप इंस्ट्रूमेंट से ही रीडिंग ले सकते। इंस्ट्रूमेंट सेम, ये 0 होगा, ये 100 होगा, फिर से 0 to 100 लाइक दिस। सो ए स्केल इज प्लेस्ड बिलो द वायर सो दैट यू कैन टेक रीडिंग फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। बच्चा क्लियर अप टू दिस पच? यस सर। नेक्स्ट, अक्रॉस दिस ए एंड बी यू विल कनेक्ट ए सेल जो इसका अंदर यू नो करंट को पास करेगा। सो वी विल कनेक्ट ए सेल बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो इधर एक सेल कनेक्ट करेंगे, प्लस माइनस, ऑब्वियसली इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, दैट आई विल टेक इट एज आर। ईएमएफ इज ई, ईएमएफ ई है, रेसिस्टेंस आर है, वो इंटरनल है, एंड आगे जाके ऑब्वियसली एक रियोस्टैट कनेक्ट करेंगे, एंड रियोस्टैट ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड टू बी। So you're going to have rheostat. But is the circuit? आप चाहे तो इधर एक key भी लगा सकते हो, key भी, क्योंकि keys on किया तो सब supply on हो जाएगा। So चलो key को मैंने plug in किया। So you got cell key rheostat in series, and of course the next point it is you know the rheostat is connected to B. But is the diagram clear? Yes sir. बच्चा मेरे को बताओ, जैसे मैंने key को plug in किया, don't you think ये cell करंट को भेजेगा पॉजिटिव से बाहर। सो लेट आई बी द करंट, एंड एक आई करंट इधर 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 जाके वापस आ जाएगा। आई होप यू गेट इट, राइट? ए टू राइट। अभी ये जो सर्किट में करंट को कौन सेंड करता है बच्चा? ई। सो इसके लिए जो ई को हम लोग नॉन ईएमएफ बोलते हैं, नॉन ईएमएफ, क्योंकि इसका वैल्यू पता रहेगा, अदरवाइज इसको हम लोग ड्राइविंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सेल। अदरवाइज इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इट इज द मेन सेल, मेन सेल। आई होप यू आर गेटिंग। यस सर। राइट। सो ये सब उसका नाम है। अदरवाइज इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इट इज ऑक्सिलरी सेल भी बोलते हैं। सो इतना सारा नाम है, वी कैन कॉल इट एज नॉन ईएमएफ, ड्राइविंग। ड्राइविंग क्यों? क्योंकि ये करंट को ड्राइव कर सकता, ड्राइव करता है सर्किट में, इसके लिए ड्राइविंग सेल। मेन सेल क्यों? क्योंकि यही ये पोटेंशियोमीटर का मेन सिस्टम है, इसके लिए इसको मेन सेल बोलते हैं। मेन को हम लोग ऑक्सिलरी सेल भी बोल सकते हैं, राइट। अभी कोई पूछा कि सर करंट क्या रह गया सर्किट में, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा करंट इन द सर्किट। इट इज टोटल ईएमएफ, दैट इज ई,
upon total resistance. R is the resistance of the wire. Plus RH, it is resistance of the rheostat. Plus small r. So this will be the current in the circuit. That is E upon R plus RH plus small r. But everybody followed up to this much? Yes. Yes. Okay, bacha complete karo isko. Then we will get into principle.
बच्चों फिनिश्ड So I hope it is done. बच्चा आवाज आ रहा है सबको? Yes sir. Yes. It is done. Yes. 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 Yes sir. Oh, okay. So should I rub the board? Yes. Okay then. So we'll move towards the principle of potentiometer. Now you know what is principle, you know potentiometer, you know the construction of potentiometer. Now you should know the principle. Then only we can go for working part, how it is going to work. Fine. So when it comes to principle of potentiometer, next is principle of potentiometer. Principle of potentiometer. Okay, fine. So, but instead of parallel segment, I will take a straight wire now, because you know that actually they are in straight, because every wire they are in, you know, series combinations. Here it is made like this. Anyway, so this is point A, this is point B. Now, length of the wire, obviously, I will take it as 1 meter, 2 meter, 3 meter, and 4 meter. Right? So you have got a wire whose length I will take it as L. Length is L, and the resistance is R. So wire has got length L and the resistance R. And across this, you'll connect the driving cell. Plus minus with EMF E, internal resistance R, and of course, there is a rheostat. We call it as series resistance. You can write it as RH, and otherwise you can take it as RS. S is series resistance. So yes, there was key is missing here. There is a key where key is plugged in. So when the key is plugged in, ultimately the current will flow. So current will flow in such a manner, it will move from positive to negative term. And you have to understand, everywhere the current will remain the same, because there is no branching. So everywhere the current will remain the same. Right? And if you want to find the value of current, obviously you can write the value of current to be. Current will be equal to, it is E upon R plus small r plus RH, already discussed. And if you got the value of current, then ultimately you can find the potential difference between wire. So the potential difference between wire, this is current in circuit. Current in circuit is given by, is given by
Now, when you know current, then potential difference between wire AB is given by. Now, you, using Ohm's law, obviously, you can find the formula. That is, V is equal to IR. Now, since it is across wire AB, I'll write VAB. Current is same everywhere, so it will not make any difference. So, I'll write I. R, wire resistance is R, so I have to write R only. So, VAB will be I into R. Now, instead of I can put this value. So, you'll get potential difference between the wire will be E upon R plus RH plus small r into R. That is going to be the value of potential difference across the wire. Right? Now, if across AB the potential difference is VAB. Now, if I want to find potential difference per unit length, मतलब पूरा वायर में potential difference VAB है, तो मेरे को वो वायर का unit length में कितना potential difference find out करना है, तो obviously मैं क्या करूँगा बच्चा? Length of the wire, length से divide करूँगा. So potential difference per unit length of the wire. Length of wire is given by. So unit length में जो potential difference है, obviously it is VAB upon L हो जाएगा. So इसका मतलब it is E upon R plus RH plus small r into R upon इधर भी L आ जाएगा. L से divide. तो अब ये जो term है, so ultimately ये जो term VAB upon L depends किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि वायर का रेसिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, राइट? तो अल्टीमेटली ये ई के ऊपर डिपेंड रहेगा, राइट? नो डाउट रियोस्टेट चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो सकता है, बट हम लोग सब रेसिस्टेंस का पैरामीटर को चेंज नहीं करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी केप्ट कांस्टेंट, राइट? सो आई कैन से द वैल्यू ऑफ VAB अपॉन L depends on EMF. It depends on cell. Cell का मतलब EMF लिख सकते हैं हम लोग, right बच्चा? Yes. And if E remains constant, then VAB upon L will also remain constant. That you have to understand. Okay. So I hope everybody followed up to this much. But now this term, VAB upon L, that is potential difference per unit length of the wire, usko hum log bolte hai potential gradient. We call it as potential gradient. So ultimately उसको हम लोग define कर लेंगे, वो better रहेगा. तो मैं K potential gradient. So potential gradient usually K लिखते हैं हम लोग. K. So I will make two part. It is denoted by K, and it is defined as potential difference को हम लोग define ऐसा करते हैं. It is potential difference per unit length of the wire. जैसा मैंने लिखा है, this is potential difference per unit length of wire. या potential drop per unit length, potential drop per unit length is called potential gradient. तो obviously हम लोग K is equal to V upon L लिख सकते हैं. V को IR लिख सकते हैं, अपॉन L हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स I को फिर से हम लोग लिख सकते हैं E अपॉन R प्लस RH प्लस स्मॉल r इनटू R अपॉन L. सो आप ये इक्वेशन ऊपर भी देख सकते हो. तो अल्टीमेटली ये 1, 2, 3 ये तीन फॉर्मूला होगा. इनफैक्ट और एक फॉर्मूला आप ये कर सकते हो, चलो ये तो पोटेंशियोमीटर के लिए आएगा, अदरवाइज आई कैन जस्ट राइट इट एज, बच्चा कैन आई राइट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए? तो अल्टीमेटली नीचे एल ऊपर एल कैंसिल हो के आपको क्या मिलेगा बताओ?
रो एल अपॉन ए, क्या मिलेगा? आई आई रो अपॉन ए, आई रो अपॉन ए, एग्जैक्टली. ये भी फॉर्मूला हो सकता है, राइट? सो इट इज वी अपॉन एल, आई आर अपॉन एल एंड आई रो अपॉन ए, राइट? अभी आपको समझ में आना चाहिए. देखो करंट सब जगह सेम है तो आई कॉन्स्टेंट, वायर का रेसिस्टिविटी सब जगह सेम, रो कॉन्स्टेंट, ए वायर यूनिफॉर्म लिया है तो ए भी कॉन्स्टेंट, तो अल्टीमेटली के इधर कॉन्स्टेंट आ जाएगा. यस और नो? यस. ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस है तो वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर, एग्जैक्टली, वोल्ट पर मीटर. तो इसका मतलब इंटेंसिटी नहीं होगा इसका, कौन सा बच्चा? हाँ, वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसा ही है. यस यस, राइट. क्योंकि आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा ही होगा ना, इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स. यस सर, यस, वही है ना ये? यस, राइट. सो ऑब्वियसली माइनस आता है, वो अलग बात है, मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा. सो एनीवे, सो दिस गोइंग टू बी, यस, इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. फाइन बच्चा, इसको मैंने के लिख सकता हूँ, राइट? कैन आई कैन राइट दिस एज के. You agree with me? Yes. Yeah. So K will be equal to, you will have E upon R plus RH plus small r into R upon L, and that is going to be constant. Yaad rakhna. Kya karu? Isko aisa likhna. K is equal to VAB upon L, that is equal to. K is equal to VAB upon L, that is equal to this term. या इधर ही लिख सकता हूं, के इज इक्वल टू, दैट इज आल्सो ओके. इसको ही मैंने इधर लिखा है, इन केस आपको नहीं दिखा रहा है तो, दिख रहा है तो इसको ही मैंने इधर लिखा है. बच्चा इज इट ओके? यस यस. अभी बच्चा ये जो टर्म है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर. सपोज मेरे को एक पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया इधर, लेट इट बी पी. तो मैंने सेलेक्ट किया ए और बी का बीच में एक पॉइंट सेलेक्ट किया पी, एंड ये पॉइंट पी ए और बी का बीच में ही होना चाहिए और किधर भी हो सकता है. एंड ए और पी का बीच में जो लेंथ है वो स्मॉल एल है. बच्चा व्हाट इज द लेंथ बिटवीन ए एंड पी? स्मॉल एल. देन डोंट यू थिंक आई कैन राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी? आई रिपीट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी, डोंट यू थिंक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा? यस सर, यस यस, बराबर ना बच्चा? यूनिट लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो के है, तो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बच्चा ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. तो मेरे को बताओ बच्चा, सपोज वायर का लेंथ टोटल 5 मीटर है, 5 मीटर, और उसमें बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है. तो 5 मीटर 10 वोल्ट, इसका मतलब 1 मीटर में 2 वोल्ट है, बराबर है? Yes. तो मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज पॉइंट पी 2 मीटर डिस्टेंस पे है, 2 मीटर, तो डोंट यू थिंक उधर पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होगा? 4 वोल्ट, यस. आपको कैसे पता चला कि वो 4 वोल्ट है? क्योंकि आपने k into small l किया है, k का वैल्यू 2 है, yes, yes. लेंथ 2 है, तो 4 वोल्ट हो गया. तो इसका मतलब VAB, VAP can be written as k into l. Did you get the point? Yes. It means I can also write VAP is directly proportional to what? Length. Directly proportional to length. Right? मतलब पोटेंशियोमीटर में आपको किधर भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो क्या रहेगा बच्चा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? लेंथ रहेगा. लेंथ, मोर लेंथ मोर पोटेंशियल डिफरेंस, लेस लेंथ लेस पोटेंशियल डिफरेंस. इज इट ओके? यस. ठीक है. सो बच्चा जब आप प्रिंसिपल लिखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है. एक बच्चा स्टेटमेंट वी ए पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, यही उसका प्रिंसिपल है, तो उसको मैं पुटअप कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं. आपको लास्ट में लिखना, उधर तो नहीं दिखता है ना बच्चा. एक काम करो, आप इसको कंप्लीट करो, देन उसके बाद हम लोग बच्चा क्या लिखेंगे बताओ? पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल ऐसा लिख सकते हैं, potential difference between any two points in potentiometer, I repeat, potential difference between any two points in potentiometer is directly proportional to length of the wire between the two points.
लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स. बच्चा समझ में आ रहा है? मतलब पोटेंशियोमीटर में, पोटेंशियोमीटर में किसी दो पॉइंट का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा उनका बीच में जो है. बच्चा हाँ या ना? यस यस. तो आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स. लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन द टू पॉइंट्स, राइट? कंप्लीट करो बच्चे इसको. सर एक बार फिर से बताना वीएपी केएल के इक्वल कैसे? बच्चा ये समझ में आता है आपको? यूनिट लेंथ में पोटेंशियल डिफरेंस के है, यूनिट लेंथ. तो मतलब हाँ, तो 1 मीटर में के है, 2 मीटर में 2k है, 3 मीटर में 3k है, एल मीटर में कितना होगा बच्चा? एल के होगा ना? यस सर यस. बस उतना ही है बच्चा, सिंपल है.
मुझे हुआ कंप्लीट. सो आई थिंक डायग्राम तो हुआ होगा. सो इन पोटेंशियोमीटर द potential difference between any two points on the wire, you have any two points, is directly proportional to length of wire between two points, ये उसका प्रिंसिपल है. अदरवाइज आप ऐसा ही बोल सकते हो सिंपल वर्ड्स में. इन पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉन्स्टेंट, ये भी ठीक है क्योंकि K is equal to V upon L. So that is equal to V AB upon capital LB हो सकता है या V AP upon small LB हो सकता है. ये तो पूरा कॉन्स्टेंट ही आना वाला. What's it done? Finished? No, sir.
Done, sir. Okay. Fine. Done, sir. So we will move towards application now. How the potentiometer will be used. So next is uses of potentiometer. Uses of potentiometer. Uses of potentiometer. So before getting into uses, let me tell you the three concepts. So you can just write it as note. Number one, cell is discharging. बच्चा सेल डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है? सेल जब खुद का करंट भेजता है तो उसको डिस्चार्जिंग बोलते हैं. इट इज लाइक इधर एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेसिस्टेंस R है. इसके अक्रॉस आपने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट किया कैपिटल R, तो क्या होगा? करंट ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है सेल का, लाइक दिस. दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये करंट ऑब्वियसली ये सेल सेंड कर रहा है, राइट? तो ये डिस्चार्जिंग है. सो अब इधर क्या होगा? जो करंट फ्लो होगा तो एक्सटर्नल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसको आप कैपिटल वी ले लो, ये स्मॉल वी ले लो. इंटरनल के अक्रॉस, एक्सटर्नल के अक्रॉस कैपिटल वी एंड इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस स्मॉल वी. तो इधर इतना तो पक्का बोल सकते हैं हम लोग, ई इज इक्वल टू वी प्लस स्मॉल वी होगा. इसका मतलब कैपिटल वी इज ई माइनस स्मॉल वी होगा. इसका मतलब द वैल्यू ऑफ ई इज मोर देन वी होगा. मतलब जब भी ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा है, तो सेल डिस्चार्ज होता है. सेल डिस्चार्ज होता है प्लस जब करंट का डायरेक्शन सेल का अंदर, सेल का बाहर तो दिख रहा है आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव है, बट सेल का अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव है. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द सेल, राइट? सो जब भी करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड द सेल है तो अल्टीमेटली वो डिस्चार्ज होता है, राइट? तो ईएमएफ ज्यादा है तो डिस्चार्ज होगा. करंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव अंदर रहेगा सेल का, तभी भी वो डिस्चार्ज होगा. सो नेक्स्ट इज नोट नंबर टू, सेल इज चार्जिंग. तो सेल चार्ज कब होगा? जब उसके अक्रॉस एक सेल कनेक्ट करेंगे जिसका ईएमएफ उससे भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली सेल चार्ज हो जाएगा. तो यू हैव अ सेल विद ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इसका अक्रॉस हम लोग ने एक सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ ई डैश, एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ ई डैश इज मोर देन ई. तभी आप बता सकते हैं कि करंट कैसे जाएगा. अभी तो ऑब्वियसली करंट उल्टा जाएगा. सो दिस इज हाउ द करंट विल फ्लो. अभी करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियसली ये जो करंट ये सेल के अक्रॉस भी जाएगा. अभी जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड द सेल. इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव इनसाइड, तो इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड. सो इधर पोटेंशियल डिफरेंस आता है, वो मैं स्मॉल वी ले रहा हूं, राइट? एंड ईएमएफ का वैल्यू ऑब्वियसली ये जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा सेल के अक्रॉस है, दैट इज वी ले रहा हूं, वी, दिस इज वी. एंड ऑब्वियसली वी और ई डैश सेम रहेगा, वी और ई डैश सेम रहेगा. अभी इक्वेशन बनेगा क्योंकि वी या ई डैश इट विल बी यूज्ड अक्रॉस दिस टू, क्योंकि ई डैश को पहले ई को न्यूट्रलाइज करना है. तो मैं लिख सकता हूं वी इज इक्वल टू ई प्लस स्मॉल वी. तो अभी ऑब्वियसली ई विल बी इक्वल टू या ई इज इक्वल टू वी माइनस स्मॉल वी. तो इसका मतलब वी ज्यादा है अभी, तो वी इज मोर देन. मतलब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा है या जब भी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है सेल का अंदर, तो सेल चार्जिंग होता है, चार्जिंग, सेल विल चार्ज. नोट नंबर थ्री, ये है ओपन सर्किट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन सर्किट. अभी मान लो कि ई डैश और ई का वैल्यू सेम है,
दोनों एक ही स्ट्रेंथ लेके आए हैं प्लस माइनस ईएमएफ ई इंटरनल रेसिस्टेंस आर, इसके अक्रॉस एक सेल है जिसका वैल्यू ई डैश है प्लस माइनस, तो अभी दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में करेक्ट किया, ये बोलता है कि करंट ऐसा जाना चाहिए, एक बोलता है कि उल्टा जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली करंट तो नहीं जाएगा, द वैल्यू ऑफ करंट डेफिनेटली इधर जीरो होगा, एंड करंट जीरो है तो आपको पता है ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, एंड नो डाउट ये जो वी है वो तो ई डैश होगा, तो नाउ द इक्वेशन विल बी E और E dash same है, तो मैं लिख सकता हूं E is equal to V है, क्यों? Because the value of I is zero, small V is I into R that is equal to zero, तो ultimately E is equal to एक तो V plus लो या minus लो, small R तो small V तो zero ही है, तो आपको E और V same आए, मतलब जब भी E और V same है, तो current क्या है? बच्चा इधर करंट ही नहीं है सर्किट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेसिस्टेंस जीरो होगा ना, तो जीरो है तो ई और ई डैश सेम है, तो ई डैश का वैल्यू वी है, तो ई इज इक्वल टू वी लिख सकते हो, बराबर है, इसका मतलब हमेशा ईएमएफ ही ज्यादा होना चाहिए, जरूरी नहीं है, ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी कौन भी ज्यादा हो सकता है, एंड कौन डिसाइड करेगा कौन ज्यादा है, दैट विल डिसाइड करंट, क्योंकि करंट है और उसका डायरेक्शन से हमको पता चलता है कि कौन ज्यादा है, करंट का डायरेक्शन सेल के अंदर माइनस टू प्लस है तो ई ज्यादा है, प्लस टू माइनस है डायरेक्शन वी ज्यादा है, सपोज करंट है ही नहीं है तो दो ई और वी सेम है, ई और वी सेम है, बच्चा ऑल थ्री पॉइंट्स, इज इट क्लियर? सर ई डैश और ई सेम है, ई डैश और वी, सर ई डैश और ई सेम होगा ना, हाँ उसके लिए तो लिखा है ना बच्चा, ई डैश और वी सेम है, बट ई डैश का वैल्यू हम लोग ने वी लिया है तो इज इक्वल टू वी है, yes, sir. क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का बात कर रहे हैं ना, क्लियर yes, है? हाँ फटाफट नोट डाउन करो बच्चे नोट, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे किधर भी बच्चे, अभी हम लोग को अप्लीकेशन में यूज होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट यही तीन पॉइंट से समझ में आएगा,
Done? No, sir. Done, sir. Fine then. So we'll move to Sabko, okay, right? Yes. Fine. So iska first use jo hai, hum log ko do cell ka EMF ko compare karna. So to compare the EMFs of cells, aur wo jo compare karte hai, usko hum log comparing cell bolte hai, ya unknown EMF bolte hai. So first E hai. So to compare EMF of two cells. So these two cells, obviously they are called as comparing cells. So इसमें दो method है. एक method इसको हम लोग direct method बोलते हैं. Otherwise it is called individual method. Individual method. So you can say direct method, yeah, you can say individual method. So how it is going to work? So first you will consider the potentiometer. So 4 meter potentiometer consider karenge, so 4 segments hoga. Fine. So, ये हमारा पोटेंशियो मीटर है तो ऑब्वियसली एंड पॉइंट हम लोग लेते हैं ये पॉइंट ए है एंड ए पॉइंट बी है एंड अक्रॉस ए बी हम लोग कनेक्ट करेंगे हमारा ड्राइविंग सेल देन आता है इंटरनल रेसिस्टेंस उसका देन की देन ऑब्वियसली रियोस्टेट देन वो कनेक्ट होता है बी पे So EMF E, internal resistance R uska, then key K and this is rheostat. Achha, ye toh pehla hi hai, same circuit hai, jo pehla jo banaya tha, right? Toh iska maine plug-in kiya, toh current flow hoga. Toh current positive to negative jayega. Toh let I be the current and this will be the direction of current. And obviously कोई पूछा करंट का वैल्यू क्या है तो आप बताएंगे I is equal to E upon R plus R H plus small r इधर तक तो समझ में आना ही चाहिए बराबर है ना बच्चा yes yes sir yes. हाँ अभी सुनो अभी हमारे पास कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स सो बेसिकली आपको दो सेल हो गए इसमें तो एक E1 लो और एक E2 लो तो आपको बेसिकली E1 upon E2 का वैल्यू निकालना है तो दोनों कंपेयरिंग सेल है और दोनों अननोन है ई वन भी अननोन है ई टू भी अननोन है राइट तो अभी जब बच्चा ये जो सेल है ना ये जो सेल ये नोन है ये पता है आपको अभी आपको ई वन और ई टू का वैल्यू नहीं पता है तो आपको क्या करना है कंपेयर मतलब समझते हो ना रेशियो निकालना है यस तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई वन अपॉन ई टू तो ई वन और ई टू का वैल्यू आपको पता नहीं है आई होप यू गेटिंग
ऐसा कनेक्ट करेंगे सबका पॉजिटिव, ये दोनों सेल का पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव एक पॉइंट पे कनेक्टेड होना चाहिए, दैट इज ए, क्योंकि इसका ऑलरेडी आप ए पे कनेक्ट किया तो इसका भी पॉजिटिव ए पे ही कनेक्ट होना चाहिए. सो यू विल कनेक्ट टू सेल्स, दैट इज E1 and E2 in such a manner the positive of all should be connected to single point. So this plus is connected to A, this is E1, this is E2, and iska bhi plus hum log A pe connect karenge. Bas itna samjha. So sabka positive ek point pe aana chahiye, tabhi to compare kar sakta hai wo, right? The negative terminal जो है negative, it is connected to a two-way key system. मतलब एक key है, एक system है जिसमें दो key है. तो E1 है तो नीचे key K1 लो, ऊपर K2 लो. So this is two-way key system, this part. And इसमें a terminal जो है, मतलब a point जो है, इधर कुछ भी connect नहीं किया है. तो आप उधर connect करो galvanometer, and the galvanometer as usual it is connected to jockey. बच्चा क्लियर है? मतलब ये K1 को डाला तो ये कनेक्ट हो जाएगा, K2 को डाला तो ये ऊपर वाला कनेक्ट हो जाएगा. तो आपको डायरेक्ट या इंडिविजुअल मेथड, मतलब एक टाइम में आप एक ही की डाल सकते हैं, एक तो K1 नहीं तो K2, राइट? यस यस सर. फाइन, सो दिस विल बी द सर्किट, राइट? बट इधर जब भी आप इंडिविजुअल मेथड पे जाते हैं, एक कंडीशन ये है, आपका ईएमएफ जो है AE, it should be more than the comparing cell. Matlab E ka value E1 se jyada hona chahiye, as well as it should be more than E2. Ye compulsory hai. So I mean, main aisa bol sakta hu, EMF of the driving cell, EMF of the driving cell should be greater than EMF of comparing cell. Is it okay? Ye compulsory. Yes. Sir, E1 plus E2 E se bada rahega? Wo jaruri nahi hai. Yes, sir, yes. वो जरूरी नहीं है, राइट? मेरे को इतना ही जरूरी है कि मेरा E का वैल्यू इंडिविजुअली E1 से ज्यादा होना चाहिए और E2 से ज्यादा होना चाहिए, बट दोनों को मिला के ज्यादा होना चाहिए, वो जरूरी नहीं है. इज इट क्लियर? यस सर, समझ गया. यस सर. बट अभी E1 और E2 में मेरे को लेंथ कंफर्टेबल होने के लिए मैं अज्यूम करूंगा लेट E1 इज ग्रेटर देन E2. बच्चे ये कंपल्सरी नहीं है, E1 ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट मैंने मान लिया कि E1 ज्यादा है. इज इट ओके? यस यस. बट बच्चे ये जो मैं, ये जो है ये कंपलसरी है तो होना ही है, बट ये जरूरी नहीं है. ये मेरा कंफर्ट जोन में मेरे को यू नो पॉइंट डिनोट करने के लिए इजी होगा, इसके लिए मैंने मान लिया कि E1 इज ग्रेटर देन E2. इज इट ओके? यस यस. फाइन बच्चा, अभी आपको ये अच्छे से कब समझेगा, जब मैं इसको वैल्यूज देता हूं. सो वैल्यूज दिया तो जल्दी समझ में आएगा, बट एग्जाम में आप वैल्यूज नहीं दिखाएंगे. इज इट ओके? वैल्यूज नहीं दिखाना है. यस, ठीक है. मान लो ये जो ई है ये 20 वोल्ट है. कितना वोल्ट है बच्चा? 20. गुड. तो ये 20 वोल्ट ये तीन रेसिस्टेंस में डिवाइड होगा, आर, आर एच और स्मॉल आर. तो मैंने मान लिया कि आर का साथ 1 वोल्ट है तो बचता है 19. Then RH का साथ 3 वोल्ट है तो बचता है 16. 1 वोल्ट इधर आया, 3 वोल्ट इधर आया, तो वायर का अक्रॉस इट विल बी 16 वोल्ट. कितना है बच्चा? 16 वोल्ट. तो वायर का लेंथ कितना है? 4 मीटर. 4 मीटर. 4 मीटर. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 16 वोल्ट. सो डू यू थिंक पर यूनिट लेंथ जो है 4 वोल्ट. एग्जैक्टली, वेरी गुड. मतलब मैंने वोल्ट मीटर लिया, इन केस इफ आई टेक 1 वोल्ट मीटर, मैंने इधर कनेक्ट किया, इधर और इधर, तो मेरे को 4 वोल्ट दिखेगा. इधर कनेक्ट किया तो 8 दिखेगा, इधर कनेक्ट किया तो 12 दिखेगा, इधर कनेक्ट किया तो 16 दिखेगा, या इधर कनेक्ट किया तो 4 दिखेगा, इधर कनेक्ट किया तो भी 4 दिखेगा. आई होप यू गेटिंग. यस सर, यस सर, यस. राइट? मतलब वो किधर लेंथ लेते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेंथ कितना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? मतलब मैंने एक पॉइंट इधर लिया और एक पॉइंट इधर लिया, तो अल्टीमेटली इसका भी लेंथ 4 मीटर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इनको, सॉरी 1 मीटर है, 4 वोल्ट दिखेगा, राइट? यस सर.
ओके फाइन. तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट केस में के वन को क्लोज करेंगे, के वन को क्लोज. तो इसका मतलब के टू ओपन है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये E2 सिस्टम में है ही नहीं है, E2 सिस्टम में A ही नहीं है, राइट? यस. हाँ चलो, E1 का वैल्यू E2 से ज्यादा है तो मान लो ये 8 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट है. इज इट ओके? ये 8 वोल्ट और ये 4 वोल्ट. यस सर. 8 वोल्ट 16 वोल्ट से कम है, 4 वोल्ट भी 16 वोल्ट से कम है, तो हमारा सब इक्वेशन सैटिस्फाई कर रहा है, राइट? तो फर्स्ट हम लोग मानकर ये करेंगे के वन इज क्लोज्ड एंड इट इज अंडरस्टूड इफ आई एम राइटिंग के वन इज क्लोज्ड, इसका मतलब के टू ओपन है, मतलब ई टू सर्किट में नहीं है, ठीक है? यस. तो बच्चा अभी हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को ए पे कनेक्ट करेंगे, जॉकी को ए पे कनेक्ट करेंगे. देखो इधर ये गैलोनोमीटर है, बिकॉज सीओ का गैलोनोमीटर ही है, सेंटर में जीरो, एक साइड 30, ऑब्वियसली दूसरा साइड भी 30. अभी डिफ्लेक्शन तो जीरो दिखाएगा. बच्चा सुनो, जब मैं जॉकी को ए पे कनेक्ट करता हूं तो ए और जॉकी के बीच में लेंथ ऑफ द वायर कितना है बच्चा? जीरो. लेंथ जीरो है तो लेंथ जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? जीरो. जीरो. तो मतलब क्या होगा, सेल क्या होगा, ये सेल डिस्चार्ज होएगा, डिस्चार्ज खुद करंट सेंड करेगा. बच्चे पॉइंट ए है, मान लो इधर पॉइंट ए है, तो आपका ये सेल ई वन है, इधर आपने गैलोनोमीटर कनेक्ट किया, जॉकी इधर कनेक्ट किया आपने ये सर, तो अभी क्या होगा, ए और जॉकी का बीच में लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर का लेंथ जीरो है, तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो ई डैश 8 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो कौन ज्यादा है बच्चा? ई वन है ना. ई वन. तो ये खुद करंट भेजेगा लाइक दिस, तो गैलोनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा कि नहीं देगा? देगा ना, ये ज्यादा देगा. तो इनफैक्ट दैट विल बी बिकॉज ऑफ 8 वोल्ट. आई होप यू गेटिंग 8 वोल्ट. यस. तो अज्यूम करो गैलोनोमीटर में करंट जा रहा है प्लस टू माइनस, किधर जा रहा है करंट? प्लस टू माइनस. प्लस टू माइनस. तो मैंने डिफ्लेक्शन ए साइड में ले लिया, मतलब ए पे कनेक्ट किया तो ए साइड में आ गया. आई होप यू गेटिंग. यस. अभी मैंने जॉकी को सीधा कनेक्ट किया इधर से बी पे, तो मेरे को बताओ ए 8 वोल्ट है, बट ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है बच्चा? 16 वोल्ट है. 16 वोल्ट. तो अभी बताओ कौन ज्यादा है? चार्ज होगा सेल. हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बच्चा, हु इज मोर, वी या ई? वी. एग्जैक्टली. तो डिस्चार्ज होगा, तो करंट ये सेल प्रोड्यूस भेजेगा एंड करंट ऐसा जाएगा. आई होप यू गेटिंग. यस सर. बी वाला पॉइंट नहीं समझा. पी क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा सर. बच्चा ये डायग्राम देखो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 16 वोल्ट. मतलब वो सेल का जैसा बिहेव करेगा जिसका वैल्यू 16 वोल्ट है. बच्चा ये जो 16 वोल्ट ये सेल का है ना, 20 वोल्ट का है ना? यस सर. यस. तो वो करंट भेजेगा, 16 वोल्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस है एंड वो ई का है, तो ई करंट कैसा भेजेगा? ये तो थोड़ी ऐसा भेजेगा, ये तो ऐसा आएगा ना करंट उसका, ऐसा कैसा जाएगा? आई होप यू गेटिंग. बच्चे इधर सेल ई है, ई तो उसका करंट ऐसा आके ऐसा जाके ऐसे जाएगा ना? यस यस. तो अल्टीमेट अभी बच्चा वो तीन केसेस में समझाया, क्यों समझाया? क्यों ये समझना चाहिए करके समझाया, क्योंकि अभी सेल चार्ज होता है, चार्ज मतलब करंट का डायरेक्शन ऑब्वियसली माइनस टू प्लस नहीं रहेगा, प्लस टू माइनस रहेगा अंदर, राइट? यस. बच्चा समझा? यस सर समझा. ओके चलो ठीक है. तो डिफ्लेक्शन यही साइड रहेगा कि दूसरा साइड? अपोजिट रहेगा. एग्जैक्टली अपोजिट साइड. वेरी गुड. तो डिफ्लेक्शन दोनों साइड आया तो आपका सर्किट राइट है, आपका सर्किट राइट है, आपका कनेक्शन राइट है, सब कुछ राइट है. तो आपको अभी आपको एक पॉइंट ढूंढना है जिधर डिफ्लेक्शन आपको जीरो मिलता है. क्या मिलता है बच्चा? जीरो. जीरो. तो अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनो, ये जो जॉकी है इसको मैं कनेक्ट करूंगा इधर, इधर देखो इधर. तो मान लो ये पॉइंट पी है एंड लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम ए टू पी एल वन है. कितना है बच्चा? एल वन. तो अभी सोच के बताओ ए और पी के बीच में लेंथ कितना है? लेंथ टू मीटर.
एग्जैक्टली टू मीटर टू मीटर टू मीटर अभी मैंने क्या बोला वन मीटर में फोर वोल्ट वन मीटर में फोर वोल्ट टू मीटर में कितना होगा एट वोल्ट एब्सोल्युटली अभी देखो ए और पी के बीच में आप खुद बोल रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है और इधर ईएमएफ कितना है 8 वोल्ट इक्वल है तो इक्वल मतलब इधर करंट नहीं जाएगा याद है थर्ड सर्किट ओपन सर्किट गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या दिखेगा बच्चा जीरो राइट तो गैलोनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो मिलने तक आपको पहला ए पे कनेक्ट किया तो एक साइड बी पे कनेक्ट किया तो दूसरा साइड तो एक पॉइंट होगा जिधर डिफ्लेक्शन जीरो मिलेगा वो ढूंढना है आई होप यू गेटिंग यस यस तो पहला आया डिस्चार्जिंग बाद में आया चार्जिंग बाद में आया ओपन सर्किट सो ऑब्वियसली एट पॉइंट पी जब पॉइंट पी पे आएगा तो डिफ्लेक्शन जीरो आएगा मतलब ए बी कौन सा मेथड पे काम करता है बच्चे ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है कौन सा मेथड नल डिफ्लेक्शन मेथड व्हीटस्टोन ब्रिज हाँ तो ये जो पॉइंट पी है ये नल पॉइंट्स होगा नल पॉइंट्स राइट यस ओके तो अभी हम लोग ने क्या किया देखो इधर आपको पोटेंशियल डिफरेंस इधर ये रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आया तो ऑब्वियसली आप ये बोल सकते हो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सेम है ई इज इक्वल टू वी बराबर है कि नहीं यस यस बट वी किसका है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड पी है यस और नो यस यस एंड ऑफकोर्स ई वन होगा क्योंकि ई वन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी तो इसका रीजन भी लिखना है बच्चा नो करंट फ्लो थ्रू गैलोनोमीटर क्योंकि गैलोनोमीटर में फ्लो नहीं हो रहा है करंट इसके लिए तो आपको पता चला है ई और वी सेम है सो नो करंट फ्लो थ्रू गैलोनोमीटर इज इट ओके यस सर यस ठीक है बट आपने अभी पढ़ा पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल में क्या पढ़ा बच्चा आपने ये पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो मैंने मान लिया कि ए और पी के बीच में लेंथ कितना एल वन है तो मैं बोल सकता वी ए वन आएगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल वन एंड वी ए पी इज इक्वल टू के एल वन के एल वन यस तो इधर के जो है आपको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या है के पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट तो अभी देखो वी ए पी VAP E1 तो can I replace VAP by E1 equal to KL1 exactly right this is equation number 1 बराबर है बच्चा इधर तक समझा yes sir yes yes very good so अभी बच्चा इसको निकालो इसको कनेक्ट करो is now it is like A नहीं है ये है right now K2 is closed and K1 is open अभी स्टोरी फिर से सेम होगा जॉकी को कनेक्ट करो ए पे डिफ्लेक्शन एक साइड में आएगा yes. जॉकी को कनेक्ट किया तो ऑब्वियसली बी पे तो ये 16 वोल्ट ए 4 वोल्ट 16 ज्यादा तो डिफ्लेक्शन दूसरा साइड में आएगा yes, sir. बट जॉकी को जब मैं इधर कनेक्ट करता हूँ देखो डॉटेड दिखा रहा हूँ डॉटेड सेकंड केस है इसके लिए मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ आई रिपीट आई एम शोइंग इट बाई डॉटेड लाइन लाइक 1 मीटर वाले में आएगा हाँ बच्चा वेरी गुड सो ये जॉकी है ए पी डैश है तो ए और पी डैश के बीच में लेंथ L2 है तो बताओ ए और पी डैश के बीच में लेंथ कितना है 1 मीटर तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 4 वोल्ट ऊपर कितना ईएमएफ पे 4 वोल्ट ए 4 वोल्ट ए 4 वोल्ट तो करंट नहीं जाएगा ओपन सर्किट तो मैं ये लग सकता हूँ कि E2 विल बी इक्वल टू VAP डैश द रीजन इज सेम नो करंट फ्लोस थ्रू गैलोनोमीटर नो करंट फ्लोस थ्रू गैलोनोमीटर बच्चा समझ में आ रहा हो राइट यस सर यस अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल मीटर प्रिंसिपल ये ए बोलता है कि किसी दो पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस आप लेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा तो इसका मतलब वी ए पी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू वी ए पी डैश इज इक्वल टू के एल टू obviously इधर भी k potential gradient है so VAP dash E2 है तो E2 will be equal to KL2 it is equation number 2 अभी आपको equation number 1 को 2 से divide किया don't you think equation number 1 divided by equation number 2 L1 by L2 मिलेगा खत्म E1 upon E2 will be equal to L1 upon L2 और L1 upon L2 तो आपको पता है ना तो आपको मिल जाएगा ratio yes yes sir yes
बच्चा इधर मेरे को ये बताओ, आपने एट ए टाइम कितना सेल लिया? एट ए टाइम एक लिया ना, एक ही सेल लिया। इसके लिए इंडिविजुअल मेथड है, राइट? यस सर, इंडिविजुअल मेथड। और डायरेक्टली आप एक सेल लेते हो, इसके लिए वो डायरेक्ट मेथड है। इज इट क्लियर? यस। ओके, कंप्लीट कर लो बच्चे इसको, कंप्लीट दिस। बच्चा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 20 वोल्ट, 1 वोल्ट, 3 वोल्ट, 16 वोल्ट, ये वैल्यू सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने लिखा है।